तो फ्रेंड्स, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी यू कहे तो बिहार सरकार की नई भर्ती आ गई है, जो कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में है। वही पद की बात करते हैं तो आशा ट्रेनर कहे तो आपको बता दें कि जिला वाइज भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू, जिसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जो कि आवेदन करने की लास्ट डेट जो हो गया 31 अक्टूबर तक, अब इसे लास्ट डेट तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि ये आपको बिहार सरकार की जॉब है। आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में आशा जो है वर्कर, उनके ट्रेनर के लिए यहाँ पे एक नई भर्ती आ गई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते कि क्या दिया गया है। सब तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा विज्ञापन जो जारी किया गया है। मैं इसको बताने के बाद मैं आपको वेबसाइट पर ले चलूँगा, उसके मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि नेम ऑफ रिसोर्स पोल, यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर की यहाँ पे ये पद है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि, और यहाँ पे टोटल जो पद है यहाँ पे 500 पद है पूरे बिहार के लिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि मिनिमम 25 ईयर आपको यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट 1/9/2020 को, और मैक्सिमम 65, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में कि रेडी टू ट्रेवल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेक्टर एरिया ऑफ बिहार एज पर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आते हैं नीचे में तो इसके बारे में यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे 09/2020 यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे पद और यहाँ पे पूरे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह पूरे डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के आशा को यहाँ पे मेड्यूल 5, 6, 7 एवं अन्य कार्यक्रमों को प्रशिक्षण किए जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर अतिरिक्त प्रशिक्षकों को यहाँ पे पोल तैयार किए जाने हेतु सहयोगी अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे भारत के नागरिक हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। और यह विज्ञापन किसी भी प्रकार के नियमित अथवा संविदा पद पर नियोजन हेतु नहीं है, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेबसाइट है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि जो यानी शुरू 25 सितंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो आपको आपको बता दे यानी कल से इसका शुरू है। और वही यहाँ पे लास्ट डेट अंतिम तिथि यहाँ पे 31 अक्टूबर 6 बजे तक इसे आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ, तो मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे कहाँ से आपको डाउनलोड करना। तो जो मैं आपको पीडीएफ में वेबसाइट बताया वहाँ पे आने के बाद, जैसे ही आप आते थे इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपको क्लिक करना है यहाँ पे जो दिया गया है इस वाले सेक्शन में 09/2020 वाले, यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर के लिए, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते थे आपको डाउनलोड ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पर्पल खबर लेके आता रहता हूँ। आपको यूट्यूब पे आना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब तक। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये आपको चैनल आ जाएगा, और रेड कलर के बटन को दबाकर आपसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि आपको जॉब में और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे उसको आपको क्लिक करके ऑल कर देना है। आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि बिहार में भी क्या चल रहा है, क्या जॉब आने वाली, क्या जॉब अभी अप्लाई चालू है, सारी जानकारी इस वीडियो को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आपको बता दें इस पर यहाँ के थोड़ा विजिट करते रहेगा कि कौन कौन सा वैकेंसी अभी चल रहा है यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में। तो मैंने कल ही वीडियो डाला था, जो कि आप स्वास्थ्य विभाग में ही, जो कि यहाँ पे पद की बात करते हैं तो जिला समन्वयक सुपरवाइजर मैनेजर की पद हेल्थ ही डिपार्टमेंट में यानी स्वास्थ्य विभाग में ही एक और वैकेंसी है, जिसका इसका भी लास्ट 31 तक है। तो आप एक बार भी इस चैनल पर आकर इस वीडियो को भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।